इसातें भी मिलने लगी। इमाम बारगाहों के अंदर मजालिस करने वालों को भी मौका मिल गया, लोगों को तकरीबात करने का भी मौका मिल गया, मोहब्बत निशावर करने का भी मौका मिल गया। तो फिर दरमियान में मुख्तलिफ हीले बहाने निकालकर ऐसी चीजें पेश की गई आवाम के सामने कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन को ये कहा गया कि ये खत्म नबूवत के मुनकर हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस इलाके का, मुझे इस इलाके का होने पर भी फख्र है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग होने पर भी फख्र है कि हम जितने माइग्रेटेड लोग हैं हमें फख्र है कि हमें माइग्रेशन मिली, हमने कुर्बानियां दी और हमने अपने बुजुर्गों की रूह को जिंदा रखा हुआ है, खुश रखा हुआ है कि मुस्लिम लीग के परचम को हमने थामा हुआ है। चाहे मुस्लिम लीग का परचम आज नवाज शरीफ की क्यादत में है या उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्यादत में था, और इंशाअल्लाह इसी परचम के साए में हमने जिंदगी गुजारनी है और इसी परचम को सर बुलंद करके हम अपना कौमी फरीजा अदा करेंगे।